बताने के लिए हसन दोस्त साहब को इनवाइट करता हूं कि वो इस बारे में तफसील से थोड़ा बताएं, ताकि जो यहां और भी लोग बैठे हैं वो सुन सकें, और उसके बाद फिर हम बाकी अपने स्पीकर्स के पास जाएंगे। जी हसन दोस्त साहब, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपनी बात रखें। थैंक यू। सबसे पहले न्यूज इंटरवेंशन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस स्पेस का प्रोग्राम करके हमें बोलने का मौका दिया। सेकंड, मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से न्यूज इंटरवेंशन के 3 साल मुकम्मल होने पर उसको, उसके दोस्तों को जो उसके साथ मेहनत कर रहे, उसको चला रहे, मुबारकबाद पेश करता हूं, और उनकी बड़ी बड़ी मेहरबानी को अपने इस अहम मौके पे, जो उनका सालगिरह है, अक्सर सालगिरह में हम लोग सुनते हैं कि केक काटा जाता है या कुछ और फंक्शन डांस वगैरह हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों की बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप इस अहम मौके पे एक मजलूम कौम को जो काफ़ी अरसे से जुल्म सहता हुआ आ रहा है, उसको बोलने का या उनको सुनने का मौका फराहम कर रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि ये जो झगड़ा है असल में, या जो बलूचिस्तान की ऑक्यूपेशन है, इसको थोड़ा सा डिटेल में या इसके तारीखी पस मंज़र में थोड़ा सा मैं बोल दूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसको मुख्तसरन और एक जामे कम्प्लीटली इसको दोस्तों के सामने रखूं, ताकि उस मुद्दा को समझने में उनको मुश्किल ना हो कि बलूचिस्तान असल में है क्या, बलूचिस्तान की तारीखी पस मंज़र है क्या। तो मैं थोड़ा सा बहुत दूर जाने की कोशिश नहीं करूंगा कि 6000 साल पीछे मैं मेरगढ़ पे जाऊं या कहीं और। तो मैं इसको स्टार्ट लूंगा थोड़ा सा शॉर्टली 1800 ईस्वी से, कि जहां से बलोचों पे असल में जो ये आफत आ गिर पड़ी, वो कुछ इस तरह है कि जब सेंट्रल एशिया की तरफ, यहाँ के इंग्लैंड की और वहाँ से रूस की जो पहुँचने की जो ख्वाहिश थी, वहाँ तक उसको कब्जा करने की ख्वाहिश थी, तो मैं समझता हूँ कि असल में बलोच की बदनसीबी या बलोच के जो काले दिन देखने उसी टाइम शुरू हुए। वो इस तरह से है कि जब रूस ने ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, या आप इसको सीधा साधा अल्फाज में सेंट्रल एशिया की तरफ आने के लिए जो उसने चढ़ाई की, असल में उसको अफगानिस्तान तक पहुंचना था, जहाँ पे उसने सेंट्रल एशिया को अपने कंट्रोल में रखना था। तो इस दौरान उसने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तरफ रूस ने पेशकदमी की, तो अफगानिस्तान नज़दीक हुआ, तो यहाँ पे अंग्रेज को थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ आप कह सकते हैं, तो उसने भी अपने को तैयार किया कि आप जो है ना, रूस से पहले मैं जाकर सेंट्रल एशिया के जो मेन दरवाज़ा है उस पर पहुँचने के लिए वो जो है ना अपनी आमादगी जाहिर कर दी। तो इस दौरान जो इंडिया की तरफ से आए, सिंध मेरे ख्याल में शिकारपुर, हैदराबाद वहाँ तक अंग्रेज थी, तो उसने यही सोचा कि मैं जो है ना अफगानिस्तान के लिए, उसके पास एक ही चॉइस था, एक ही वे था जो बलूचिस्तान को क्रॉस करता हुआ, यानी बोलान और क्वेटा से अफगानिस्तान को पहुँचना था। तो जब उसने इरादा किया और वहाँ से रवाना हुए, उसकी रवानगी के यही था कि मैं यहाँ से बलोच, बेशक कमज़ोर है, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास जंगी बंदे नहीं है, तो मैं एक ताकतवर ग्रोह हूँ, ग्रुप हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं बलोच तो हवल मुझे रजाकाराना तौर पे यहाँ से जाने की इजाज़त देगा, अदरवाइज इन सेंस मैं इसको जो है ना अपने ज़ोर से ना मानते हुए इसको क्रॉस करके अफगानिस्तान तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो इस हवाले से वो जब रवाना हो जाता है बकौले तारीख दान के, और
हमारी बलोचों की एक, मैं यहाँ पे वाजे करूँ कि जो हमारी तारीख है जिसको लिखा गया है, बलोच उसी ज़माने से एक तालीम से जदीद टेक्नोलॉजी से दूर रहा है, लेकिन बलोचों के पास एक खुशकिस्मती है कि हमारे जो शायर हैं जिन्होंने हमारी तारीख को सीना बसीना लिखने की सूरत में बहुत कम मौजूद है, लेकिन आज कुछ दोस्तों ने, कुछ राइटर्स ने उन्हीं अशार को पढ़ के उसी हवाले से बहुत से लोगों ने तारीखी हवाला जब देखे तारीख को मुकम्मल करने की कोशिश की है। तो वो सीना बसीना हमारे बलोचों में उसका होता चला आ रहा है। तो हम मरून मिन्नत है उन शोहरा की जिन्होंने हमारी तारीख को अपने सीनों में बंद करके अगली नस्ल को उसको शिफ्ट करता हुआ आ रहा है। तो बकौल उनके, जब मरी के इलाके में जब अंग्रेज आया तो उनकी सबसे पहले लड़ाई जो है ना नफुस्क जो मरी के इलाके में वहां पे हुई, तो इनकी बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उस जमाने में बलोचों ने, अंग्रेजों के जहन में भी नहीं था कि बलोच इतने गोरिल्ला वार में एक्सपर्ट और माहिर है, तो मरियों को उन्होंने वहां पे संभाला और उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई। देर तक लड़ाई लड़ी गई, यहाँ तक कि अंग्रेज को मजबूर किया गया कि अंग्रेज उस इलाके से जो कहान के नाम से मशहूर है, जो नवाब खैबश मरी का इलाका है, तो वहां से आगे न जा सके। तो मजबूरन बकौल उनके कुछ राइटर्स के, तो उन्होंने आखिर मजबूर होके मरियों के साथ एक मुआहदा किया कि आप लोग हमें ना मारे। फिर मरी मुतबरीन भी, जिनमें से मेरे ख्याल में दो वहाँ पे चले गए उनके साथ मुजाकरात करने के लिए, तो मुजाकरात में दो नुक्ते, दो पॉइंट मरी नुमाइंदों ने उनके सामने रखे। उन्होंने यही रखा कि जी अंग्रेज इसके बाद हम पर हमला नहीं करेगा और हम श्योरिटी देंगे कि अंग्रेज को हम खैर खैरियत अपने स्क्वाड में यहाँ से उठा के जहाँ से आया है शिकारपुर से वापस वहां पे पहुंचा देंगे। तो इनके दरमियान बाकायदा मुआहदा हुआ और मरी बलोचों ने अंग्रेजों को जो हमलावर हुए थे उनको मुआसरे से निकाल के बेहिफाजत शिकारपुर पे मेरे ख्याल में पहुंचा दिया। तो बाद में अंग्रेज एक राइटर कहता है बलोच एक बहुत मजलूम, सीधा सादा और इंसाफ ईमानदार कौम है जिन्होंने जो मुआहदा हमारे साथ किया, बेशक उसी मुआहदा को निभाते हुए हमें वापस बखैर खैरियत पहुंचा दिया, लेकिन आम अंग्रेजों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। वो इसलिए कहता है कि अच्छा नहीं किया कि जो मुआहदा हमारे पास हुआ था कि दोबारा अंग्रेज बलूचिस्तान के रास्ते को इस्तेमाल नहीं करेगा और बलोच पे हमलावर नहीं होगा। असल में इस लड़ाई का जो बुनियादी मकसद है उसको भी मैं यहाँ पे जाहिर करता जाऊं, क्योंकि ये जो लड़ाई हुई जिसमें बलोचों की बहुत अक्सरियत मारी गई, असल में अंग्रेज बलोच को मारने नहीं आया था, बलोच को छोड़ के वो अफगानिस्तान पे कब्जा करने की नीयत से जा रहा था, लेकिन बलोच उसमें है कि आप उसके को या उसके बाउट में रहने वाले को उसकी मौजूदगी में आप नहीं मार सकते हो। तो एक ऐसी जंग थी कि बलोच ने ये समझा कि मेरे होते हुए या मेरे जमीन को इस्तेमाल करते हुए किसी आम इंसान को मारने के लिए क्यों ये जा रहा है, उससे बेहतर है कि उसको इधर रोका जाए बजाय कि मेरे हमसाया को ये जाकर तकलीफ पहुंचाए। कल का दिन मेरा हमसाया मुझे ये ना कहे कि जी आपने इस बदमाश को मेरे तरफ आने दिया। तो इसी हवाले से
वजीर खजाना कहते हैं, तो एक हिंदू था जिसका नाम मेरे ख्याल में बचल मल था, और उसी में वो अपने पांच बच्चों के साथ कहते हैं मौजूद थे। तो जब मेहराब खान अमलावर हुए तो बचलमल ने भी अपनी तलवार निकाल के अंग्रेजों पे हमला कर दिया। तो बहुत से तारीखदान या जो हमारे बुजुर्ग है वो याद करते हैं कि जब मेहराब खान की नज़र उस पर पड़ी तो उसने कहा कि आप जो है ना गैर मजहब यानी मुसलमान नहीं है, तो आप काफिरों के साथ कैसे लड़ते हो। तो उनका कहना यही है कि जब बचलमल ने यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जुमला कहा कि वतन पे कुर्बान होने के लिए अगर मुसलमान होना शर्त है तो अब से मैं मुसलमान हूँ। तो हमारे हिस्ट्री में इनको जो है ना भी अपने पांच बच्चों समेत शहादा की लिस्ट में शामिल किया गया कि बचलमल अपने पांच बच्चों के साथ बलूचिस्तान की वतन की दिफा करते हुए हसन साहब हो गए। हसन साहब और भी स्पीकर्स हैं, तो अगर आप थोड़ा सा जल्दी करेंगे तो और भी लोगों को ये रहेगा। तो आज का जो मौजू है हमारा ये 2021 में बलूचिस्तान पे जो तशद्दुद हुआ है उसके ऊपर। जी बस मैं यहाँ पे एंड करूंगा मुख्तसरन। उसके बाद जब अंग्रेज को यहाँ पे मुश्किलात पेश आई तो वही से उन्होंने ये तय कर लिया कि मैंने जो है ना बलूचिस्तान में बलोचों के साथ इसका सिला उनको दे दूंगा। उसका सिला इन्होंने ऐसे दे दिया, जब एक आजाद बलूचिस्तान रियासत थी तो इस वक्त उन्होंने कब्जा करके वापस चला गया। तो जो मुत्तहिद हिंदुस्तान बनाया, जब मुत्तहिद हिंदुस्तान की आज़ादी की वक्त आई तो आपने पहले जिक्र भी कर दिया कि यहाँ पे उन्होंने बलूचिस्तान की आज़ादी का भी ऐलान किया, क्योंकि बलूचिस्तान इससे पहले भी एक आज़ाद रियासत या आज़ाद मुल्क आप कह दें था। तो उन्होंने उसको कब्जा करके उसके बाद उसकी आज़ादी का बाकायदा 27 मार्च 1948 को ऐलान कर दिया। तो इसके साथ साथ उन्होंने ये मुनाफ़त कर दी कि यहाँ पे एक दो कौमी नजरिया के बुनियाद पे एक पाकिस्तान नाम एक मुल्क बना के हमें उसका हिस्सा बनाया जोर जबरदस्ती। तो जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान की हिस्ट्री भी हमें यही कह रही है कि जब कलात पे दोबारा पाकिस्तानी फौज ने कलमे शहादत पढ़ के पहला जो उन्होंने गोला फायर कर दिया वो मुसलमानों की मस्जिद पे फायर किया गया। उसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान को जोर जबरदस्ती ऑक्यूपाइड किया, वही ऑक्यूपेशन आज तक चल रही है, लेकिन बलोच कौम ने उसको कभी भी तस्लीम नहीं किया। बलोच आज भी अपने वजूद के लिए अपनी आज़ादी के लिए उस ऑक्यूपाइड कंट्री से उस जालिम जाबिर से लड़ता हुआ आ रहा है। इसमें शिद्दत जो है ना आप महसूस करेंगे 2009 के बाद जो आज तक जारी उसारी है। इस बारे में मेरे ख्याल में खलील साहब यहाँ पे मौजूद है, वो बेहतर अंदाज में क्योंकि वो बलूचिस्तान में मौजूद है, हम बलूचिस्तान से बाहर बेहतर अंदाज में इसको डिटेल के साथ तमाम सामीन के सामने पेश करेगा। इसके बाद अगर जो भी ज़रूरत हुई बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट्स के हवाले से उमामा कदीर साहब मौजूद है, वो बेहतर अंदाज में बता सकेगा कि वहाँ पे मौजूद है, और अगर मेरी ज़रूरत हुई तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। उसके बाद मैं अपना बात इससे आगे कंटिन्यू करूँगा, और आप लोगों की भी दोबारा बड़ी बड़ी मेहरबानी कि आप क्योंकि बलूचिस्तान में मीडिया टोटली ब्लैकआउट है, आप दोस्तों से सिर्फ हमारी इल्तिजा यही है कि हम आप लोगों के तवसुत से अपनी आवाज़ को दुनिया के सामने ले जा सकते हैं। आप जी बड़ी मेहरबानी कि आप हमारी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू जी।